हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हॉब में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी होटल स्टाइल में। चलिए देखते हैं ये सरल रेसिपी। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें एक कप नारियल चाहिए। ये आधा नारियल था, उसको मैंने छील के धो के ऐसे बड़े टुकड़े कट कर लिए हैं। और हमें छीलना ज़रूरी है क्योंकि होटल वगैरह सब जगह छीला जाता है और साउथ में भी छील के ही बनाते हैं। तो ये आधा नारियल धो के छील के कट करके एक बड़ा कप हुआ है। और एक बड़ा टेबलस्पून भुनी हुई चना दाल है, इसे दाढ़िया भी कहते हैं। और इसको चटनी में डालने से जो चटनी का एक्स्ट्रा पानी होता है ये सोख के थोड़ा चटनी को गाढ़ा करता है। और एक छोटा चम्मच जीरा है, इससे चटनी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। दो छोटा चम्मच नमक है, आप स्वाद अनुसार डालिए। दो लहसुन की कलियां हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बस दो कली बहुत है। चार हरी मिर्च है, और तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप दो भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं, मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैं चार डाल रही हूँ। और 1/3 कप धनिया है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एकदम थोड़ा धनिया डालना है, तो एक मुट्ठी जितना धनिया है काट के मैंने लिया है। एक छोटा चम्मच राई है, एक छोटा चम्मच खड़ी उड़द है, एक छोटा चम्मच चना दाल है, और चौथाई छोटा चम्मच मेथी है। ये 2 चुटकी मेथी है, बस ये खाली फ्लेवर के लिए डाला जाता है। और 7-8 कड़ी पत्ता है, 1 लाल मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच तेल है, और 1/2 कप मैंने पानी लिया है, लेकिन पीसते समय के बाद पता चलेगा कि इतना लगेगा या और लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हम नारियल, धनिया, चना दाल भुनी हुई, जीरा, नमक, 2 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च, और जो 1/2 कप पानी है ये हम अभी आधा डालते हैं, आधा थोड़ी देर बाद डालेंगे, एक बार चला लेंगे। तो ये हम पीस के दिखाते हैं। ये हमारी चटनी पीस गई है, और देखिए इसको पीसने में मैंने 1/2 कप पहले पानी डाला, और फिर उसके बाद में मुझे गाढ़ी लग रही थी तो और 3 टेबलस्पून और मैंने पानी डाल दिया। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ठीक है, अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो आप और पानी डाल दीजिए, और अगर आपको पतली लग रही है तो आप 1/2 कप बहुत रहेगा, तो आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब हम चटनी को तड़का दे देते हैं। एक तड़का पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हो, नारियल का भी तेल ले सकते हो, और नॉर्मल जो हम डेली यूज़ भी यूज़ करते हैं वो भी। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम उसमें राई के दाने डाल देंगे। राई का दाना हमारा चटक गया है, अब हम इसमें उड़द की दाल डाल देंगे। उसके बाद हम चने की दाल डाल देंगे, और सबसे आखिरी में हम मेथी के दाने डालेंगे। सब अच्छे से भून रहा है, इसमें एक लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे और कड़ी पत्ते। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो खुशबू अच्छी आ रही है उड़द दाल की, और सब तड़का हमारा हो गया, देखो हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसे चटनी में तड़का करेंगे, बस हमें इतना ही करना है। फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा अपनी चटनी बनके तैयार हो गई है। आप एक बार इस तरह बना के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, एकदम होटल स्टाइल। या आपने साउथ इंडिया में कभी खाया होगा वैसी चटनी, बहुत टेस्टी चटनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।